हमारे ही पूर्वज के वंशज खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते भाई? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पिछले दिनों दिए गए डीएनए को लेकर बयान पर बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने शनिवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सबका डीएनए एक है, लेकिन गाय का मांस खाने वालों का एक नहीं हो सकता है। मोहन भागवत ने 4 जुलाई को यूपी के गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों न हो। लिंचिंग को लेकर भी भागवत ने कहा था कि जो लोग भी इसमें शामिल है वो हिंदुत्व के खिलाफ है और लोकतंत्र में हिंदुओं या फिर मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता है। आरएसएस प्रमुख के बयान पर जब साध्वी प्राची से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा सबका डीएनए एक है, लेकिन गौमांस खाने वालों का नहीं। उन्होंने कहा जल्द लागू किया जाए 2 बच्चों का कानून। राजस्थान के दौसा पहुंचे साध्वी प्राची ने कहा कि देश में 2 बच्चों का कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, वरना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। 2 बच्चों को लेकर कानून बनाने की मांग करते हुए साध्वी ने कहा कि 2 से ज़्यादा बच्चे वालों के मतदान के अधिकार को छीन लेना चाहिए। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि राजस्थान में लव जिहाद के नाम पर लड़कियों पर भारी अत्याचार हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री गहलोत को लड़कियों का धर्मांतरण रोकना चाहिए। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान के बाद मचा था बवाल। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान के बाद कांग्रेस AIMIM के नेताओं ने उन पर हमला बोला था। ओबीसी ने कई सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा था कि अपराधियों को गाय और भैंस में फ़र्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनेद अखलाक, भोलू, रकबर, अलीमुद्दीन के साम की ही काफ़ी थे। ये नफरत हिंदुत्व के देन है। वही कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए सवाल किया था कि क्या मोहन भागवत ये विचार अपने शिष्यों, प्रचारकों, VHP, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाहजी व बीजेपी मुख्यमंत्रियों को भी देंगे? यदि आप अपने व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार है तो भाजपा में वो सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दें।